नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस टीडीआई की अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए पटवारी भर्ती परीक्षा 2020 को लेकर महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। 6 चरणों में परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे हैं विद्यार्थी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है एलडीसी में भी कई चरणों में परीक्षा हुई थी और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, उस कारण कई विद्यार्थियों को नुकसान भुगतना पड़ा था। तो आप यहाँ पर खबर देख रहे होंगे, सीकर भास्कर 4/10/2020 की खबर है। 6 चरणों से नुकसान। 6ठे चरण में परीक्षा देने वाले को पैटर्न का पेपर का पैटर्न समझ में आने से एक्स्ट्रा एडवांटेज उसको नंबर मिल जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन नहीं, रैंडमली के बजाय अल्फाबेट के हिसाब से तय होगा अभ्यर्थियों का परीक्षा का चरण। अगला है पटवारी भर्ती। 6 चरणों में परीक्षा व नॉर्मलाइजेशन नहीं होने से शुरुआती 2 चरणों के अभ्यर्थियों को नुकसान की आशंका है। 10 से 24 जनवरी 2021 तक 6 चरणों में कराई जा सकती है पटवार भर्ती 2019। यहाँ देखिएगा पूरी जानकारी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4421 के लिए पटवार भर्ती परीक्षा को कोविड-19 के चलते 6 चरणों में कराने की संभावना तिथियाँ संभावित तिथियाँ घोषित की है। परीक्षा 10 जनवरी से 24 जनवरी तक होने की संभावना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 जनवरी को परीक्षा देने वाले की तुलना में 24 जनवरी को पेपर देने वाले पैटर्न का पता चलने से अच्छे अंक ला पाएंगे। इसका सीधा नुकसान पहले व दूसरे चरण के 10 जनवरी को एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों को होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा 3 दिन में आयोजित होनी चाहिए ताकि जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी। डाउनलोड ऐप पर 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। किसी अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा एडवांटेज ना मिले, ये भी बिल्कुल बात सही है कि जैसे कि परीक्षा आप 10 तारीख को करवा रहे हो फिर 21 तारीख को करवा रहे हो, तो ये तो गलत है। क्योंकि यहाँ पर कितनी तारीख को, 24 तारीख को अब 24 तारीख को करवा रहे हैं, उसके पास 14 दिन मिल जाते हैं, वो अच्छी और पढ़ाई कर सकता है। इस कारण कई विद्यार्थियों को नुकसान भुगतना पड़ सकता है, इसलिए परीक्षा को लगातार करवाएं। जैसे कि 10 को करवा रहे हैं तो 11 को करवा लो, 12 को करवा लो, 10, 11, 12 को, जैसे कि पुलिस की हो रही है उसी प्रकार करवाया जा सकता है। आगे देखिएगा, उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री ने पिछले माह RPSC RSMSSB जयपुर के चेयरमैन अधिकारियों को और कार्मिक विभाग के साथ मीटिंग ली थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी भर्ती में ऐसी खामियां नहीं छोड़े जिससे कि वो भर्ती कोर्ट में अटक जाएं। तो बिल्कुल ये भर्ती कोर्ट में अटक सकती है यदि विद्यार्थी इसका विरोध करते हैं, और सरकार फिर भी इस भर्ती को करवा सकती है, तो ये भर्ती कई सालों के लिए फिर कोर्ट में चली जाएगी और विद्यार्थी इधर से उधर चक्कर लगाने में हमेशा के लिए रह जाएंगे। जैसे कि LTC में हुआ था उसी प्रकार यहाँ पर भी ना हो, इसलिए विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखिएगा, एक और भर्ती का नाम बता सकता हूँ मैं जिसमें विद्यार्थियों को कई नुकसान भुगतना पड़ा था, JVNL हेल्पर 2 की जो भर्ती थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, इस कारण कई विद्यार्थियों को उसमें भी भुगतान करना पड़ा था और कई विद्यार्थी ऐसे थे, वो भी क्योंकि परीक्षा लगभग 10 से 12 दिन तक चली थी। ठीक है, आपको याद होगा किसी विद्यार्थी ने पेपर दिया होगा और किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उसको बहुत बड़ा दुख हुआ होगा। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे हैं। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा होती है जैसे कि SSC की, बैंक की, अन्य कई परीक्षाएं जो कई चरणों में होती है, उन सभी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। रेलवे में तो वह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना सकते हैं यदि ऐसा करती है तो सरकार, यदि 6 चरणों में परीक्षा लेना चाहती है तो। रेलवे, SSC, बैंक सही अन्य प्रकरणों की देख सकते हो यहाँ पर। तो इस प्रकार विद्यार्थी लगातार इसकी जो है चेंज करने की, डेट चेंज करने की अपील कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है 99% ये भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा तिथि है या तो चेंज होगी या नॉर्मलाइजेशन का आदेश जारी होगा। लगातार आप विद्यार्थी जो भी है इसका विरोध करें, लगातार करें मित्रों, क्योंकि इसमें आपको भी नुकसान हो सकता है और हमें भी नुकसान हो सकता है, आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान हो सकता है, दोनों पहल होते हैं, एक सिक्के के हेड और टेल होते हैं। जिसी प्रकार इस परीक्षा में भी आपको हेड और टेल की बातें, आपको नुकसान और फायदा हो सकता है, तो वो कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, आप हो या चाहे आपका भाई,
तो नुकसान तो होगा ही होगा, तो ये सोच लीजिएगा, इसलिए लगातार विरोध कीजिएगा। और आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे, तो इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं आगे आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ।